Hello everyone. Hello everyone. Good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the textbook guys. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं कंफर्मेशन देंगे सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं कंफर्मेशन दो यार इज ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन टू ईच एंड एवरीवन जल्दी फटाफट बताते जाएंगे सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं महसूस कर पा रहे हैं फील कर पा रहे हैं समझ पा रहे हैं जल्दी और गाइज इंडिया के बेस्ट AJEE सेशन में इलेक्ट्रिकल में आप लोगों का स्वागत है इंडिया का बेस्ट AJEE सेशन इलेक्ट्रिकल का आप लोगों ने इसको बनाया है बिकॉज पिछले पौने दो साल से हम लोग रेगुलर मिल रहे हैं 4 बजे से 6 बजे तक और बेहतरीन तरीके से हम अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए और जब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए गाइज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानो भाई अभी तक पौने दो साल के अंदर अंदर ये देखा गया है कि जब जब हम लोग मिले हैं तब तब जब जब हम लोग पौने दो साल के अंदर अंदर मिले हैं जब जब हम लोग इस पौने दो साल के अंदर अंदर मिले हैं तब तब जितने भी JEE के एग्जाम हुए हैं सभी JEE के एग्जाम में गाइज यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं और इस बार जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं वो है SSC JEE DRDO सेप्टम देन आपका मध्य प्रदेश सब इंजीनियर देन UP मेट्रो इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं और इस बार भी हम लोग एकदम मचा लेंगे तो सभी लोग फटाफट सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर कर देंगे सभी लोग फटाफट सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर करेंगे यार दिल से एकदम मस्त वाला करने वाले हैं सभी बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर जल्दी से और जल्दी से फटाफट सब लोग आते जाओ गुड इवनिंग दिनेश गुड इवनिंग अपूर्व गुड इवनिंग माया आकाश प्रदीप अमन खुशबू उमेश अमन तो और इस बार भाई आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं ठीक है और बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारे पास और डेफिनेटली मैं आपको वादा करता हूं आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे क्लियर सर SSC की ईमेल आईडी बता दो सर जहां रिजेक्ट फॉर्म की ईमेल आईडी करना है तारू उसके लिए कुछ भी मत करो जो आपका जोन है SSC जैसे MPR है या नॉट जोन है उसकी वेबसाइट ओपन करो उसकी वेबसाइट में कॉन्टेक्ट अस में उनकी ईमेल आईडी लिखी हुई है ठीक है चलिए गुड इवनिंग दीप्ति चलिए तो बहुत बढ़िया सभी लोग आ चुके हैं चलिए अब इसके पहले गाइस आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा यार जितने भी बच्चे मेरी क्लास अभी देख रहे हो ठीक है उन सारे बच्चों को ये बोलना चाहूंगा तो जितने भी बच्चे मेरी अभी क्लास देख रहे हैं ये वाली मेरी क्लास है आप लोग जो देख रहे हो राइट इस क्लास को आप लोग देख रहे हो अभी तो यार सबसे पहले तो यार देखो 32 स्टूडेंट्स वॉचिंग नाउ है लेकिन लाइक सिर्फ कितने हैं 70 तो फटाफट जल्दी से सबसे पहले तो एक बार लाइक करो बेहतरीन तरीके से अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक करने के बाद क्लियर अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक करने के बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लाइक करने के बाद अगर हम बात करेंगे तो आपको देखो नीचे डिस्क्रिप्शन दिखता है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या होता है मैं बताता हूँ जैसे कोई बच्चा जिसको लगता है मोहित सर मुझे आपसे पढ़ना है मुझे डिटेल में आपके सब्जेक्ट्स चाहिए मुझे डिटेल में आपसे पढ़ना है तो बेटा मेरे सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं यहाँ पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के अंदर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग क्या है इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारी चीजें आपको इकट्ठी एक बार में मिलती हैं और आपको उसके लिए कुछ अलग अलग चीज के लिए अलग अलग पे नहीं करना पड़ता एकदम ऑथेंटिक चीज मिलती है मेरे बैच के साथ तो यहां पे देखेंगे लिखा है AJEE इलेक्ट्रिकल जैसे आप AJEE इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करते हो जैसे आप लोग AJEE इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करते हो तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं जब AJEE इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करते हो तो जैसे आपके मन में आता है मोहित सर हमें आपका इलेक्ट्रिकल का बैच पढ़ना है तो बेटा मेरा जो बैच जिसको लाखों बच्चों ने अभी तक पढ़ा है पसंद किया इंडिया में मेजॉरिटी इंडिया के बच्चे जो आज एग्जाम देने वाले हैं वो सभी बच्चे यहां से पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रिकल AE बैच ये रहा JEE बैच ये रहा इसी तरीके से गाइस अगर हम बात करें ये मेरा AE JEE बैच के साथ आपको मिलते हैं इंडिया के और अलग अलग इंस्टीट्यूट के भी टीचर्स मिलते हैं जैसे निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स अकेडमी देन इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट और ये सारे इंस्टीट्यूट भी अब आपके साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर अवेलेबल है तो एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ आपको इकट्ठा एक साथ मिल जाता है राइट अपार्ट फ्रॉम गाइस कोई बच्चा बोलता सर मुझे नॉन टेक्निकल की दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है नॉन टेक्निकल के लिए आपके पास यहां पर एक से भी ज्यादा बैचेस अवेलेबल हैं आपको जिस बैच में पढ़ाई करना है पढ़ाई करो कोई दिक्कत नहीं है ये रहा पंकज चौबे सर का कंप्लीट AJEE नॉन टेक्निकल का 9 टीचर्स इस बैच के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है देन हम बात करेंगे शिव सर का मध्य प्रदेश जी के उत्तर प्रदेश जी के पुनीत सर का देन हरियाणा जी के AJEE इलेक्ट्रिकल नॉन टेक्निकल बैच बाय निम्बस लर्निंग ये भी यहां पे इंक्लूडेड है और यही नहीं गाइस अभी आप लोगों का SSC JEE का एग्जाम है 14-15-16 को सभी की डेट आ चुकी मोस्टली 15 और 16 को हमारा इलेक्ट्रिकल का पेपर है राइट तो मैं आपको ये बोलूंगा कि यार मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल 33 की क्लासेस लगा के रखी हैं वो भी इसके अंदर ये स्पेशल 33 की क्लासेस हमारी ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन पे है मंडे से लेके फ्राइडे तक लेता हूं हर दिन में 2 बजे और यकीन मानो मस्त तरीके से मचाते हैं हम लोग यहां पर एक्चुअली हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं करते कोई कॉन्सेप्ट नहीं करते यहां पर कुछ इस प्रकार की चीजें करी जाती है जो आपसे गलतियां आप लोगों के एग्जाम में हो सकती है वो सारी चीजें यहां की जाती है प्लस रेगुलर आपके डाउट सेशन होते हैं PYQ सेशन आप लोगों के रेगुलर होते हैं स्ट्रेटेजी सेशन आप लोगों का रेगुलर होता है करंट अफेयर सेशन आप लोगों का
रेगुलर होता है। और यही नहीं गाइस, आप लोगों को मिलती है इंडिया के सारे इंस्टीट्यूट्स, इंडिया सॉरी आप लोगों को मिलती है इंडिया के जितनी भी एग्जाम्स होने वाले हैं सभी की टेस्ट सीरीज यहां पे मिलती है। जैसे आप देखोगे एसएससी जेई, तो अभी 3,12,000 लोग एसएससी जेई का टेस्ट यहां पर प्रॉपर तरीके से एनरोल किए हुए हैं। और अलग अलग एग्जाम की अगर मैं बात करूं, अभी जैसे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर है, तो आप देखेंगे 39,000 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एनरोल किया है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतने ही बच्चे पेपर देने जाएंगे, इससे कम भी जा सकते हैं, ये एनरोलमेंट की बात है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस हम बात करें तो यहां पे सारी चीजें आप लोगों को इस तरीके से मिलती हैं। प्लस अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 3 मंथ का जो इसका प्राइस है वो सिर्फ 4,999 रुपीज है, और 6 मंथ का जो प्राइस है वो 6,599 है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहां पर कि यार सर एक बात बताओ यहां पर, मैं बोलूं हां बिल्कुल बताइए, तो यार सर ये प्राइस तो काफी ज्यादा लग रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहां पर रिड्यूस करें, इसको रिड्यूस करें और एक कूपन कोड अप्लाई करें पे करने के पहले, दैट इज कॉल्ड मोहित के। मोहित के टेस्ट बुक का एकमात्र ऐसा कोड है जिसको यूनिवर्सल कोड बोलते हैं, जो एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी, इंश्योरेंस, पुलिस, टीचिंग ट्रेनिंग, गेट, ईएससी, एजेई सब जगह एप्लीकेबल होता है। और ये कोड लगाने के बाद आपको 35% तक का कंप्लीट डिस्काउंट मिलता है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा डिस्काउंट होता है। तो बढ़िया तरीके से इससे एंजॉय करें, और हमारे सारे बच्चे विद्यार्थी आ चुके हैं, तो हम लोग बढ़िया तरीके से क्वेश्चन भी करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या सभी लोग रेडी हैं? तो अगर सभी लोग रेडी हैं तो एक बार हैशटैग लगा के लिखना यस सर 6 बजे तक रेडी हैं। कल आप लोगों का साइंस का प्यार भी देख लिया मैंने, गजब का प्यार दिया आप लोगों ने कल साइंस में, तो उसके सेशन भी लेके आऊंगा। और मैं आपको यही बोलूंगा हैशटैग लगाएं एक बार, और सभी बच्चे सेशन चैट बॉक्स के अंदर लिखेंगे एक बार हैशटैग लगा के रेडी, क्या लिखेंगे READY। 6 बजे तक आपको यहीं पर रहना है, कहीं मुड़ना नहीं है, कहीं देखना नहीं है। यकीन मानो ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं। जल्दी से हैशटैग लगा के लिखेंगे रेडी, जल्दी से हैशटैग लगा के सभी बच्चे लिखेंगे रेडी, जल्दी फटाफट हैशटैग लगा के सभी बच्चे लिखेंगे रेडी। क्लियर? चलिए चलिए जल्दी बताएंगे फटाफट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए सभी रेडी हैं इस बार सब इंजीनियर और एसएससी जेई को फोड़ने के लिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, अंडर वोल्टेज रिले आर यूज फॉर, अंडर वोल्टेज रिले बेटा किस चीज के लिए यूज की जाती है? क्लियर? सर सिविल वाले में जीके जीएस साइंस वाला भी कराइए ना डिस्कस। चलिए ओके, तो चलिए तो एक बात बता देता हूं मैं, कितने जितने भी बच्चे यहां सब इंजीनियर का पेपर देने जा रहे हैं, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है भी सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम चल रहा है, सिविल का पेपर 6 तारीख को हुआ है और 7 तारीख को सिविल का पेपर हुआ है। तो जो मुझे पता चला है भी जिस तरीके की चीजें आई हुई है पेपर में, वो ये आई हुई कि जैसा लास्ट टाइम पेपर था, जैसा लास्ट टाइम पेपर हुआ था, आप उसको रेफरेंस मिल लें, उसमें से साइंस का पार्ट, इंग्लिश का पार्ट, हिंदी का पार्ट, मैथ्स का पार्ट और रीजनिंग का पार्ट, ये 5 सब्जेक्ट ऐसे बिल्कुल वैसे के वैसे ही, उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। कंप्यूटर में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, जनरल स्टडीज में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। जनरल स्टडीज में ऊपर नीचे ये हुआ है कि करंट अफेयर्स और एमपी जीके का पार्ट नहीं है, इंडिया जीके का पार्ट है। और कंप्यूटर में ये डिफरेंसेस आए कि कंप्यूटर में एमएस ऑफिस के क्वेश्चन बहुत कम, 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे गए, बाकी का सारा पूरा स्टैटिक कंप्यूटर पूछा, बाकी सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं, मैंने पहले बता दिया। अब आप एक ये काम कर सकते हो, सब इंजीनियर का 2018 का पेपर उठा के देखो, उसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा ये इसी लेवल का पेपर। ठीक है, चलिए तो अंडर वोल्टेज रिले बेटा वोल्टेज कम नहीं होना चाहिए, किसके अंदर? जनरेटर्स के अंदर। तो अंडर वोल्टेज रिले बेसिकली हम लोग प्रेफर करते हैं कहां पर? जनरेटर्स के अंदर। तो अंडर वोल्टेज रिले को हम लोग प्रेफर करते हैं कहां पर? जनरेटर के अंदर। मैं एक ही चीज बोलूंगा, एसएससी जेई में माइंडसेट लेके जाना है 86 प्लस क्वेश्चन का माइंडसेट लेके जाना है, आराम से अचीव होते हैं। जिस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया, नेटवर्क आपसे पूरा बनेगा, मशीन आपसे पूरा बनेगा, मेजरमेंट भी आपसे पूरा बनेगा। ठीक है, आपका पावर सिस्टम में दुक्का 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, कभी कभी यूटी और एस्टिमेशन में 3-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स किसी का वीक है तो वो मेरा मैराथन देख लेना, उसको क्लियरिटी आ जाएगी पूरी पूरी, और कुछ आप गलतियां करते हो, बट 86 प्लस क्वेश्चन इजिली अचीव होते हैं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। रीजनिंग में 45 प्लस क्वेश्चन इजिली अचीव होते हैं इलेक्ट्रिकल के पेपर के अंदर। ठीक है, इन दोनों से आपका 130 का स्कोर बनता ही बनता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, जितना आता है उतना करना है, तुक्के नहीं फंसाने हैं। फिर जनरल स्टडीज में आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी अभी तक की मेहनत कैसी थी। अगर अभी भी मेहनत कम है तो साइंस पढ़ लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, आराम से 10-12 नंबर ले आओगे, 140-145 तक का स्कोर अचीव कर लोगे। लेकिन अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो 150 भी क्रॉस करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, और अगर कोई बच्चा बेटा अगर मान लो 120-130 की कैटेगरी में रहता है तो उसके पीछे उसका नॉन टेक्निकल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके पीछे उसका टेक्निकल रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? चलिए तो यहां पे देखेंगे गाइस, अंडर वोल्टेज रिले जो यूज होती है वो बेसिकली किसके लिए होती है? ऑल्टरनेटर के लिए। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है चलिए अब इस क्वेश्चन में लिखा है ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि यहां पर मोस्टली हम लोग करते नहीं है, हम लोग अंडर वोल्टेज रिले को अल्टरनेटर के लिए करते हैं, ऑल ऑफ दीज के लिए नहीं करते, मोस्टली अंडर वोल्टेज रिले को एसी के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि मोटर्स के लिए इसको प्रेफर कभी नहीं करते, मोटर के लिए अंडर वोल्टेज रिले का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है चलिए नेक्स्ट, तीन बल्ब है ठीक है 50 वॉट 70 वॉट और 80 वॉट के, आउट ऑफ दीज थ्री बल्ब विच बल्ब हैज थिकेस्ट फिलामेंट, एज्यूमिंग ऑल द बल्ब हैव टंगस्टन फिलामेंट ऑफ सेम लेंथ, सबकी लेंथ सेम है, सबसे मोटा किसमें है, जिसमें सबसे ज्यादा मोटा होगा दिमाग लगाओ, मतलब उसका एरिया ज्यादा होगा, एरिया अगर उसका ज्यादा होगा तो बाय डिफॉल्ट उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें करंट ज्यादा आ सकता है। अब आप खुद ही सोचो किसके अंदर पावर है, पावर पावर अब आपके पास है, ये 50 वॉट है, ये 70 वॉट है, 80 वॉट है ठीक है, इन तीनों बल्ब के अंदर, तो आपको बताना है तीनों बल्ब के अंदर जिसमें या तो सबसे ज्यादा पावर होगी वो आंसर होगा, या तो जिसमें सबसे कम पावर होगी वो आंसर होगा। 70 वाला कभी आंसर हो नहीं सकता, ऑल ऑफ द सेम थिकनेस हो नहीं सकती, या तो 50 आंसर है या तो 80 आंसर है, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 80 वॉट बल्ब। क्यों? तो मैंने अभी बताया, क्या आपको बताया, मैंने आपको अभी बताया एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो पावर डेवलपमेंट जो होगा आई स्क्वायर आर का वो डेफिनेटली ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? तो जो ज्यादा, जो मैंने फिर बोला आपसे, जो जो ज्यादा पावर का होगा ठीक है समझ जाओ वो मोटा भी होगा। ठीक है बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट, एक SCR में कितने जंक्शन होते हैं, एक SCR में कितने जंक्शन होते हैं, एमपी सब इंजीनियर के लिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, एमपी सब इंजीनियर के लिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा 10 11 या 12 तारीख के में। ठीक है एक SCR में कितने जंक्शन होते हैं मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, तो SCR के बारे में मैंने आपको पहले भी बता के रखा है, एक SCR के अंदर कितने जंक्शन होते हैं, तो एक SCR के अंदर गाइस हमेशा याद रखना, एक SCR के अंदर टोटल जंक्शन कितने होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो J1 J2 और J3, और इसके अंदर जो लेयर होती है वो कितनी होती है, 4, 4 लेयर का मतलब होता है 2P और 2N, तो 4 लेयर होती है और 2-3 जंक्शन होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लैरिटी है? यस सर क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओवरहेड लाइन जनरली यूजेस, ओवरहेड लाइन जो होती है वो जनरली क्या यूज करती है, सभी को पता है ओवरहेड लाइन के अंदर जो कंडक्टर यूज करते हैं वो होते हैं ACSR, मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, दैट इज ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर और स्टील की क्या होती है, रेनफोर्सिंग होती है। ठीक है बहुत बढ़िया सर, मोहित सर की क्लास में अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है जो भी हमारे उत्तरी भारतीय स्टूडेंट है, नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट है, उनको सबको मैं, अगर वो हिंदी मीडियम से भी बिलोंग करते होंगे तो मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और जितने भी हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको मैं प्रॉपर इंग्लिश में भी समझाऊंगा, दे कैन एबल टू आस्क मी ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश, आई कैन कंप्लीटली एक्सप्लेन इन इंग्लिश विदाउट एनी हिंदी वर्ड। ठीक है सर टेंशन हो रही है एमपी सब इंजीनियर के लिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, शाम में आराम से जाओ और अपना बेस्ट शॉट दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एग्जाम एमपी सब इंजीनियर का एग्जाम क्लियर करने के लिए नॉलेज मैटर नहीं करता, सिर्फ मेंटल टेम्परामेंट मैटर करता है, इसीलिए करता है मेंटल टेम्परामेंट, क्योंकि 3 घंटे में आपको टोटल 8 टेक्निकल के आपके 10 सब्जेक्ट और नॉन टेक्निकल के 7 सब्जेक्ट, 17 सब्जेक्ट्स के साथ आपको खेलना है, और जिंदगी में जब इतनी ज्यादा चीजों के साथ खेलना है तो डेफिनेटली आपका मेंटल टेम्परामेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाकर के आप तुक्का भी लगाओगे तो वो भी सही होता है, लेकिन अगर मेंटल टेम्परामेंट लूज करोगे तो कहीं ना कहीं यहां पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ध्यान रखिएगा, फॉर लो एंड मीडियम पावर ड्राइव, अगर लो और मीडियम पावर ड्राइव की बात करें जहां पर स्पीड कंट्रोल की जरूरत नहीं होती, मोटर दैट इज रिकमेंडेड, मतलब आपको स्पीड कंट्रोल नहीं करना, लो स्पीड ड्राइव से कौन सी मोटर लगेंगे, तो बेटा 3-phase सीरीज मोटर तो पहली बात कोई मोटर होती ही नहीं है, स्क्वायरल के जो डबल स्केच की बात करेंगे ये करेंगे नहीं, क्यों, यहां लिखा स्पीड कंट्रोल नॉट रिक्वायर्ड, तो आपको एक ही टिक लगाना है कौन सा, सिंक्रोनस मोटर, जब लिख दिया स्पीड कंट्रोल की जरूरत नहीं है बाय डिफॉल्ट आपको कौन सी मोटर लगाना है, सिंक्रोनस मोटर लगाना है। बहुत बढ़िया सर नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन ने लिखा स्क्वायरल केज तो गलत लिखा हुआ है, क्यों भाई, लो और मीडियम पावर ड्राइव्स के लिए, लो और मीडियम पावर ड्राइव के लिए वेयर स्पीड कंट्रोल इज नॉट रिक्वायर्ड, तो भैया यार फिर सिंक्रोनस लगा दो ना, दिक्कत क्या है। ठीक है चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट द टाइम इन सेकंड्स, टाइम निकालना टेकन बाय द कैपेसिटर ऑफ अ सीरीज आरसी सर्किट हैविंग अ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, तो बेटा टाइम कांस्टेंट क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, R into C, तो टाइम कांस्टेंट कितना निकल के आ जाएगा, R कितना है आपका 300 ओम और कैपेसिटर कितना है आपका 0.01 mF, मिली मतलब होता है 10^-3, तो टाइम कांस्टेंट कितना निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 मिली सेकंड आपका टाइम कांस्टेंट निकल के आ जाएगा, 3 मिली सेकंड आएगा ना 3 into RC, RC 0.01 into mili, तो यार यही तो आना चाहिए 3 मिली सेकंड आना चाहिए, 3 मिली सेकंड ही तो आना चाहिए, 3 मिली सेकंड आना चाहिए, इसमें 0.3 आ रहा है, 0.3 आ रहा है, ये गलत लिखा है मेरे हिसाब से 3 आना चाहिए, 300 है ना, 300 ओम्स है ना,
तो 300 ओम्स अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, तो 3 आना चाहिए, इसका आंसर 0.3 नहीं होगा, 3 मिलीसेकंड होगा, कितना होगा 3 मिलीसेकंड, द करेक्ट आंसर इज 3 मिलीसेकंड, है ना। 0.3 कैसे हो सकता है भाई, 3 होगा ना, अबे इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा ना, कुछ गलत कर दिया मैंने। अच्छा यहां पे लिखा है, अबे ये देख हिंदी में लिखा हुआ है 30 ओम और अंग्रेजी में लिखा हुआ है 300 ओम, क्या बोला मैंने, हिंदी में लिखा है 30 ओम और अंग्रेजी में लिखा है 300 ओम, पेपर वाला कौन से वाले को करेक्ट मानेगा, अगर पेपर में ही दोनों आया तो पेपर वाला कभी भी हिंदी वाले को करेक्ट नहीं मानेगा, इस तरीके की त्रुटियों को अंग्रेजी वाले को सही माना जाता है, किसको सही माना जाता है, अंग्रेजी वाले को, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 0.3 मिलीसेकंड। तो या तो इस क्वेश्चन को पूरे नंबर दे दो सबको और या तो इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दो, ठीक है, ऐसा ही होता आया, ऐसा ही होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट, और ये तो गलत लिखा हुआ भाई, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। चलिए, अ लार्ज एसी जनरेटर सप्लाइंग पावर टू एन इनफाइनाइट बस, एक जनरेटर है ना एक जनरेटर है, एक जनरेटर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, एक जनरेटर की अगर हम बात करेंगे जो कि सप्लाई करता है पावर एक इनफाइनाइट बस को, सडनली शॉर्ट सर्किट अकरिंग एट सिट टर्मिनल, उसके टर्मिनल पे सडनली शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो जाता है, एज्यूमिंग प्राइम मूवर इनपुट एंड द वोल्टेज बिहाइंड द ट्रांजिएंट ब्रेकनेस टू रिमेन्स कांस्टेंट इमीडिएटली आफ्टर द फॉल्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द जनरेटर रोटर इज, जल्दी बताइए। आपको बोला जाता है जनरेटर है जो कि सडनली बस बार पे काम कर रहा है, आप इस तरीके से इसका डायग्राम बना सकते हो, ये जनरेटर है और ये सडनली बस बार से कनेक्टेड है, सडनली इसके शॉर्ट टर्मिनल पर यहां पर एक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, कौन सा फॉल्ट आता है, सिमेट्रिकल, क्योंकि यहां पे अनसिमेट्रिकल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अगर आ जाता है, ठीक है, एज्यूमिंग प्राइम ओवर इनपुट मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आया और वोल्टेज बिहाइंड द ट्रांजिएंट रिएक्टेंस वो भी कांस्टेंट है, मतलब प्राइम मूवर भी कांस्टेंट है, मतलब स्टीम सप्लाई भी कांस्टेंट है और साथ ही साथ में उसका एक्साइटेशन भी कांस्टेंट है, तो आपको देना इमीडिएटली आफ्टर द फॉल्ट जनरेटर का एक्सेलरेशन क्या होगा, आफ्टर द फॉल्ट स्पीड जनरेटर की पूछ रहा है, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द फॉल्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज, ये इनर्शिया ऑफ द वॉल्यूम, ये तो कुछ फालतू की बात लिखी हुई है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कहां से आ गया भाई, ऑप्शन एलिमिनेट करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शॉर्ट सर्किट पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट, अब देखो अगर ये लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शॉर्ट सर्किट पावर, अगर ये पावर लिखा है तो जाहिर सी बात है पावर के अंदर आई स्क्वायर आएगा, तो शॉर्ट सर्किट करंट मतलब ये सही होगा तो ये भी सही होगा, ये सही होगा तो ये भी सही होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज, तब आपको दिमाग लगाना है, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका, ये पहला वाला जो कि क्या है, ये गलत लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का पूरा सिस्टम ही क्या है, गलत है, क्यों गलत है भाई, इस पूरे क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन यहां पे मैच नहीं करेगा, लीव करो इस क्वेश्चन को, लीव दिस क्वेश्चन, लीव दिस क्वेश्चन, फालतू बकवास है। एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, ठीक है, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम और उसका इंडक्टेंस है 200 माइक्रो हेनरी, दोनों को जब पैरेलल में लगाते हैं कैपेसिटर से, इट्स कॉम्बिनेशन इन सीरीज विद अ रेजिस्टर ऑफ 8000 द वोल्टेज ऑफ द सप्लाई 200, वी लीव दिस क्वेश्चन अगेन, लीव दिस क्वेश्चन अगेन, नाउ इट्स गुड, नाउ गुड, अब सही है, ये दोनों क्वेश्चन को लीव करो, बकवास क्वेश्चन है दोनों। इफ द फुल लोड आयरन लॉस, बेस्ट क्वेश्चन एसएससी जेईई के लिए, एसएससी जेईई के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है, मतलब आपको मैं बोलूंगा बेस्ट क्वेश्चन, क्लियर, आपको मैं बोलूंगा ये बेस्ट क्वेश्चन, अरे आज तो पूरे क्वेश्चन तो गलत, तो ऐसे बोल देते 3 क्वेश्चन गलत निकले, सब गलत भाई साहब, 6 बजे तक क्लास है अभी, हो गया गलती, ठीक है चलो। इफ द फुल लोड आयरन लॉस की बात करते हैं, फुल लोड पर आयरन लॉस जो है ट्रांसफॉर्मर का इतना है, तो आयरन लॉस एट हाफ लोड पर कितना होगा, तो बेटा चाहे फुल लोड हो चाहे हाफ लोड हो, ठीक है, चाहे आपका नो लोड हो, तीनों ही केस में आपके जो आयरन लॉस निकल के आते हैं, तीनों ही केस के अंदर जो हमारे आयरन लॉस निकल के आते हैं, तीनों ही केस के अंदर जो हमारा आयरन लॉस निकल के आता है वो बेसिकली कितना रहता है, 100 वॉट ही रहता है, तो आयरन लॉस तो हमारे अभी भी कितने रहने वाले, 100 वॉट ही रहने वाले, आयरन लॉस का कोई लेना देना नहीं है किससे, लोडिंग कंडीशन से, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट, हेलोजन लैंप के बारे में मैंने पहले भी बताया था, हेलोजन लैंप जो होता है वो एडवांस वर्जन है इनकैंडेसेंट लैंप का, इसका एडवांटेज क्या है, रिड्यूस डायमेंशन ऑफ द लैंप, बेटर कलर रिटेंशन एंड लॉन्गर लाइफ अबाउट 2000 आवर, ठीक है, हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर विद इंक्रीज, तो यार सीधी सी बात है हेलोजन लैंप का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस जल्दी बताएंगे फटाफट, फास्ट एवरीबॉडी, गलती नहीं करना है, इंडिया के बेस्ट एईजेईई इलेक्ट्रिकल सेशन में हो, क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर, फटाफट जल्दी से सेशन को शेयर मारो, जल्दी से तेज स्पीड में सेशन को शेयर मारेंगे, तेज स्पीड में जल्दी से, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है,
जल्दी करो। बहुत बढ़िया, चलिए तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा। तो बेटा एक चीज तो तय है, आप सभी जानते हो हैलोजन लैंप के अंदर आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बेटर कलर रिटेंशन भी मिलता है, लॉन्गर लाइफ मिलती है। आप देखोगे हैलोजन लैंप्स की लॉन्गर लाइफ होती है एज कंपेयर टू इनकैंडेसेंट। जब ये दो सही होगा तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो आज से तीन चीज याद रखना, हैलोजन लैंप के बारे में याद रखना, इसके अंदर जो डायमेंशन होते हैं लैंप के वो कम हो जाते हैं, कलर रिटेंशन प्रॉपर्टी बेहतरीन होती है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर काफी बेहतर होता है इंक्रीज ल्यूमिनस एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर्ज इंपीडेंस की अगर हम बात करें, एक थ्री फेज 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन में वो 400 ओम है सर्ज इंपीडेंस ऑफ द लोडिंग इज। अच्छा चलो एक गुड न्यूज सुनने के लिए, एक बार गुड न्यूज सुनना है ठीक है, तो एक बार ऐसा करके हार्ट बना लेना यार, एक गुड न्यूज सुन लेना, हार्ट बना देना। अच्छा गुड न्यूज पहले ही बता देता हूं, ये उन लोगों के लिए है जो बच्चे एमपी सेमिनार का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज है। ठीक है, एसएससी जेई वाले बच्चों के लिए नहीं है, सुनने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारे लिए नहीं थी। जल्दी जल्दी बताएं, गुड न्यूज आप लोगों के लिए बता देता हूं बेहतरीन वाली। ठीक है, जो भी बच्चा एमपी सब इंजीनियर का पेपर देने वाला है उनको एक गुड न्यूज बता रहा हूं। ये गुड न्यूज भी बोल सकते हो, किसी के लिए ये गुड न्यूज होगी और किसी के लिए ये बैड न्यूज होगी, सबके लिए ये एक जैसी न्यूज नहीं हो सकती, पहले भी बता रहा हूं। अभी सुनने में अलग चीज है, बाद में सुनने में कुछ अलग चीज होगी। बहुत बढ़िया शंकर भाई, गुड न्यूज ये है या इसको बैड न्यूज बोलो, या तो ये गुड न्यूज बनेगा किसी के लिए या तो ये बैड न्यूज बनने वाला है किसी के लिए। ठीक है, आप बोलोगे ऐसा क्या, मैं आपको ऐसा बोलने वाला हूं कि मुझे ऐसा लगता है इस बार जो पेपर डिजाइन हुआ है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का वो कुछ है ना, कुछ इतनी जल्दबाजी में डिजाइन हुआ है कि दे डोंट वॉन्ट कि वो पेपर को बैलेंस रखें। तो आपको जो टेक्निकल का पेपर मिलने वाला है, ठीक है, टेक्निकल का जो पेपर आप लोगों को मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके का मिलने वाला है कि उसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे ही नहीं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, अभी तक ऐसा होता आ रहा था कि मशीन भी मिलता था, पावर सिस्टम भी मिलता था, नेटवर्क भी मिलता था, एनालॉग भी मिलता था, डिजिटल भी मिलता था, पावर इलेक्ट्रॉनिक भी मिलता था, यूटिलाइजेशन एस्टिमेशन कॉस्टिंग फैक्चुअल डेटा सब कुछ मिलता था। लेकिन इस बार तुमको पेपर के अंदर पूरे के पूरे टेक्निकल के सब्जेक्ट नहीं मिलने वाले, ये मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं। तो अब आपके मन में आएगा कि सर कौन से मिलने वाले हैं, अब ये किस्मत है यार, या तो मुझे लग रहा है नेटवर्क और मेजरमेंट ये दो सब्जेक्ट से करीब करीब 60 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं, भर भर के पेपर आएगा, या फिर मशीन और पावर सिस्टम से मुझे लगता है कि 50-60 देखने को मिल सकते हैं, भर भर के पेपर आने वाला है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर और बाकी फिर इक्का दुक्का दो चार नंबर का सब कुछ देखने को मिल जाएगा, लेकिन पेपर पूरी तरीके से बैलेंस नहीं रहेगा, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। अब साइकोलॉजी ये बोलती है सर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे का पूरा 50-60 नंबर यूटिलाइजेशन जैसे सब्जेक्ट से आ जाएगा, तो ऐसा साइकोलॉजी नहीं बोलती। कारण ये है, बनाने वाली जो टीम है वो कुछ इस तरीके से बनाएगी कि उनके दिमाग में 4 ही सब्जेक्ट रहे। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है जिस तरीके से उन्होंने इस बार हरकतें करी है सिविल के पेपर में, तो मुझे लगता है उनके दिमाग में 4 ही चीज है। अब आप बोलोगे वो 4 चीज क्या है, उनके दिमाग में 4 ये चीज है, क्लियर, उनके दिमाग में 4 ही चीज हो सकती है, उनके दिमाग में ये 4 ही सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से मैं बता देता हूं आपको, मशीन पावर सिस्टम नेटवर्क, ये 3 हैं। मैं आपको बोल देता हूं जेन्युइनली बेटा, या तो मशीन पावर सिस्टम और नेटवर्क से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बचा कुछ अगर बच गया तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट रहेगा, बाकी कुछ भी देखने को पेपर के अंदर नहीं मिलेगा। अब किस्मत, अगर जिसका नेटवर्क अच्छा है और नेटवर्क फंस गया तो वो काफी बेहतर करेगा, जिसका मशीन अच्छा है मशीन फंस गया काफी बेहतर करेगा, जिसका पावर सिस्टम अच्छा पावर सिस्टम फंस गया काफी बेहतर करेगा। तो ये चीज मुझे को ऐसा लगता है देखने को मिलेगी, आई एम नॉट श्योर, बट मेरा सिक्स सेंस बोलता है कि 90% यही कंडीशन बनने वाली पेपर के अंदर। ठीक है, 90% ये कंडीशन बनने वाली है पेपर के अंदर, मैंने पहले ही बता दिया आपको किसके अंदर, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर। बट एसएससी जेई में ऐसा कुछ भी नहीं है, एसएससी जेई जैसा आया था आज तक वैसे आएगा, शुरुआत के 20-22 क्वेश्चन नेटवर्क करेंगे, फिर 20-25 क्वेश्चन मशीन करेंगे, फिर पावर सिस्टम रहेगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, ऐसे करते करते सो ऑन रहेगा। ठीक है, तो एसएससी जेई में ऐसी चीजें नहीं होंगी।
चलिए, द सर्ज इंपीडेंस ऑफ अ 3 फेज 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन इज 400 मोड, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग इज, तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग कितनी होगी, तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग कितनी होती है, तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग जो होता है बेटा वो कितना होता है, 3 टाइम्स ऑफ V फेज का स्क्वायर अपॉन सर्ज इंपीडेंस, यही होती है सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। तो बेटा 3 V फेज, V फेज मतलब क्या होगा, ये तो लाइन वोल्टेज गिवन है, तो ये लाइन वोल्टेज गिवन है, तो 400 का स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा 3 बनेगा, इनटू 400 कर दिया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये कितना निकल के आ जाएगा यार, ये कितना निकल के आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो वापस 400 ही आएगा, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 400 मेगावाट इज द करेक्ट आंसर। नॉनटेक का मैंने प्रज्ञा पहले बता दिया, नॉनटेक का मैंने पहले प्रज्ञा बता दी, लास्ट टाइम का जो था पेपर था सेम वैसे ही पेपर है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं। सिंक्रोनस मोटर की अगर हम बात करें, आर्मेचर करंट जो है इज मिनिमम एट, सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर करंट हमारा मिनिमम कब होता है, तो सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर करंट तभी मिनिमम होगा जब पावर मिनिमम होगी, ओवरऑल पावर जो होती है वो होती है पी प्लस जे क्यू, तो ओवरऑल पावर P प्लस J की होती है, अब P तो रहता ही रहता है, Q कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव कभी जीरो, तो मिनिमम एक ही कंडीशन हो सकता है जब जीरो हो जाए, सिस्टम की जब रिएक्टिव पावर जीरो हो जाए, समझ जाओ जब सिस्टम का पावर फैक्टर क्या हो जाता है, यूनिटी हो जाता है, बस खत्म हो गई। आपसे क्या बोला था, आर्मेचर करंट मिनिमम पे, आर्मेचर करंट मिनिमम होगा, एक तो तरीका आप ये लगा सकते थे यहां पे, एक दूसरा लगा सकते थे आप लोग, क्या आर्मेचर करंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर फैक्टर के, तो जितना ज्यादा आर्मेचर करंट होगा उतना कम पावर फैक्टर, और जितना कम आर्मेचर करंट उतना ज्यादा पावर फैक्टर, तो मिनिमम आर्मेचर करंट पे आपको क्या मिलता है, यूनिटी पावर फैक्टर। दो तरीके हो गए समझने के। तीसरा आता है वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व, तो आप सभी को पता है कि एक कर्व होता है जिसको बोलते हैं वी कर्व, वी कर्व बनता है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में, और इन्वर्टेड वी कर्व बनता है इन दोनों के बीच में इस तरीके से, तो ये हो गया इन्वर्टेड वी कर्व और ये हो गया हमारा ये, तो इस पर पावर फैक्टर क्या मिलता है, यूनिटी देखने को मिलता है। क्लैरिटी है? यस सर, क्लैरिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाइल स्टार्टिंग अ सिंक्रोनस मोटर एज इंडक्शन मोटर फील्ड वाइंडिंग इज, अगर किसी सिंक्रोनस मोटर को एज इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट करते हैं तो फील्ड वाइंडिंग क्या होगी, तो जब इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट करोगे तो जाहिर सी बात है उसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा या ओपन सर्किट करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करोगे या डीसी सप्लाई लगाओगे, जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लो रेजिस्टेंस, तो एक लो रेजिस्टेंस की मदद से उसको शॉर्ट सर्किट करोगे तो बेहतर होगा। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट, स्पिलवे एक पार्ट होता है कहां पर यूज किया जाता है, स्पिलवे एक पार्ट होता है जो कि कहां पर यूज किया जाता है, स्पिलवे इज नथिंग बट बेटा एक रास्ता है पानी के फ्लो होने के लिए, स्पिलवे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक रास्ता है पानी के फ्लो होने के लिए, तो स्पिलवे एक पार्ट है, उसको हम कहां यूज करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट में या सोलर प्लांट में, स्पिलवे को यूज किया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट में, कहां यूज किया जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट में, तो ये ध्यान रखिएगा स्पिलवे इज यूज्ड इन हाइड्रो पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में पूछता भी है। ये देखिए 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये एक 4 एम्पियर का करंट है, ये भी एक 5 एम्पियर का करंट है, ठीक है, आपको बोला जा रहा है करंट थ्रू द इंडक्टर विल बी, यहां के द्वारा जो करंट है वो कितना होगा, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, इसके लिए आपको एक फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। सर कैसे बनेगा, ये है एक पैरेलल आरएलसी सर्किट, जब ये पैरेलल आरएलसी सर्किट है तो एक चीज का ध्यान रखना, इसके अंदर जो रेफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वोल्टेज, वोल्टेज इसका क्या हो जाएगा गाइस, रेफरेंस हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो रेजिस्टेंस में जाने वाले करंट के बारे में आपको कुछ बताया क्या, नहीं, बट कैपेसिटर में जाने वाले करंट के बारे में आपको पता है कितना, 4 एम्पीयर। तो कैपेसिटर का जो करंट होता है वो हमेशा 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है, तो कैपेसिटर में जाने वाला जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा 4 एम्पीयर का। बहुत बढ़िया सर, तो कैपेसिटर में जाने वाला करंट 4 एम्पीयर का हो जाएगा, इंडक्टर में जाने वाला करंट वो आपसे पूछ रहा है, आपको भी नहीं मालूम है, इसके बाद वो आपसे ये बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है वो आपसे, कि टोटल जो करंट है वो भी 5 एम्पीयर है, जो टोटल करंट है वो भी क्या है, 5 एम्पीयर। राजदीप साहू आज 10 बजे वाली क्लास है क्या, नहीं आज 10 बजे वाली नहीं, आज 10 बजे वाली क्लास कल है, चलो एक सरप्राइज हो जाता हूं, कल आपको 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक रात को मैराथन के लिए मिलूंगा, ठीक है, कल रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको एक बेहतरीन मैराथन सेशन के लिए मिलने वाला हूं, कल रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, आज नहीं ये क्लास कल रहेगी, ठीक है। चलिए, तो बेटा ऊपर कैपेसिटर करंट है और नीचे इंडक्टर करंट है, ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है R और C के बीच का जो रिजल्टेंट है वो 5 एम्पीयर है, तो C ये रहा, तो R कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, तो रेजिस्टेंस में जाने वाला जो करंट है वो मेरे हिसाब से कितना रहना चाहिए, वो मेरे हिसाब से रहना चाहिए भाई 3 एम्पीयर का, क्यों, रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट 3 एम्पीयर का अगर होगा तभी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में, देखो रेजिस्टेंस का करंट तो वोल्टेज के फेज में ही रहेगा, और रेजिस्टर और कैपेसिटर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 5 एम्पीयर का है, ठीक है, तो ये 5 एम्पीयर तभी हो सकता है जब ये 4 और ये 3 और पाइथागोरस से, तो ये 3 एम्पीयर आ गया।
अब ओवरऑल करंट जो है वो भी कितना है तुम्हारा 5 ही एम्पीयर है, तो ओवरऑल करंट कैसे निकलेगा इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो अब आप मुझे बताओ ओवरऑल करंट अगर आपको निकालना हो तो आप एक काम करो, इंडक्टर के करंट को कर दो आप 8 एम्पीयर, कितना कर दो 8 एम्पीयर, क्यों, क्योंकि देखो 4 और 8 मिलके ओवर ऊपर नीचे कितना बच गया, तो इससे ये कैंसिल होकर के ओवरऑल नीचे कितना आया 4 एम्पीयर का, और ये 4 आ गया ये 3 आ गया तो ओवरऑल ये कितना हो गया 5 एम्पीयर। तो इंडक्टर का करंट कितना रहना चाहिए 8 एम्पीयर के आसपास रहना चाहिए, दिस इज द करंट अक्रॉस द इंडक्टर। तो ये करंट हो गया कितना गाइस इंडक्टर के पास का, क्लैरिटी है क्या? यस सर क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीरीज कैपेसिटर जो आपको पता है पहले से ही, ये कब लगाए जाते हैं ट्रांसमिशन में, ये ट्रांसमिशन में लिटिल यूज किए जाते हैं, और ये मैंने हमेशा बताया ट्रांसमिशन में तभी लगाए जाते हैं जब पहली बात तो रिएक्टिव पावर की जरूरत तो होगी होगी तभी लगा रहे हो, तो रिएक्टिव पावर की जरूरत बहुत ज्यादा या बहुत कम, बहुत कम पे, तो लोड की वायर रिक्वायरमेंट बहुत स्मॉल होगी तब इसको लगाया जाता है, अदरवाइज इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं, अदरवाइज इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप का वॉट मीटर है, अच्छा वोल्टेज और करंट उसमें गिवन है, ये आपका वोल्टेज है और ये आपका करंट है, आपको बतानी है पावर कितनी होगी। तो यार बचपन से आज तक देखते आ रहे हैं पावर जो वॉट मीटर पढ़ता है वो क्या पढ़ता है, तो वॉट मीटर हमारा जो पावर पढ़ता है वो पढ़ता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये हमारा वॉट मीटर पावर पढ़ता है। तो अब हमारी पावर जो वॉट मीटर ये पढ़ता है वो वी आर एम एस, वी आर एम एस कितना हो जाएगा 100/√2, आई आर एम एस कितना हो जाएगा आपका 10/√2, और साथ ही साथ में पावर फैक्टर कितना निकल के आ जाएगा, पावर फैक्टर आ जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री, cos 60 सभी को पता है 1/2 होता है, तो 2 to 4 हो जाएगा, 1000/4 के अंदर कितना जाएगा 250 आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका 250 वॉट, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका 250 वॉट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट, अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर को हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो न्यूट्रल वायर करंट कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए, अवॉइड ओवरहीटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, प्रोवाइड आर्टिफिशियल अर्थिंग या अवॉइड हार्मोनिक्स। तो याद रखना अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर को हम लोग प्रेफर कर रहे हैं बेसिकली किस चीज के लिए, तो अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर हम लोग प्रेफर करते हैं प्रोवाइड आर्टिफिशियल अर्थिंग, तो यार मेरा तो यहीं पे ध्यान जा रहा है कहां पर, आर्टिफिशियल अर्थिंग के लिए यूज करते हैं अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर को, और इसका एक और नाम होता है बेटा जिगजैग ट्रांसफॉर्मर, क्या होता है जिगजैग ट्रांसफॉर्मर, तो एक जिगजैग नाम का ट्रांसफॉर्मर होता है जिससे आर्टिफिशियल अर्थिंग बनाई जाती है, आर्टिफिशियल अर्थिंग मतलब गड्ढा ना खोद के अर्थिंग बनाई जाती है, एक आर्टिफिशियल अर्थिंग बनाने के लिए हम लोग अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर को प्रेफर करते हैं, कहां पर पावर सिस्टम ट्रांसफॉर्म। तो कभी भी अगर कोई बोले ट्रांसफॉर्मर अर्थिंग क्या होती है, समझ जाना ट्रांसफॉर्मर की मदद से आर्टिफिशियल अर्थिंग बनाई गई है, और बस इतना समझ जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन पढ़ने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन होगा फुस्सी। देखो थ्री फेज सर्किट में मेजर की जा रही है 2 वॉटमीटर से, हमें भी मालूम है रीडिंग जो 1 वॉटमीटर की पॉजिटिव है, लिख दिया पॉजिटिव है, और दूसरे वॉटमीटर की रीडिंग क्या है नेगेटिव है, रीडिंग जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब W1 इज इक्वल टू माइनस का इज नॉट इक्वल टू माइनस W2, मतलब एक रीडिंग है W1 एक रीडिंग है W2, मतलब एक 10 है तो -20 होगा या कुछ ऐसा होगा। The magnitude of reading is different. It can be concluded that the power factor of the circuit is power factor circuit का कैसा होगा? तो बेटा circuit का power factor angle सभी बच्चों को पता है कितना होता है 10 inverse of √3, then W1 minus W2 upon W1 plus W2, ये होता है circuit के power factor का angle. ये circuit के power factor का angle है. अब एक आपका क्या हो चुका है? एक इसको देखो. ये नेगेटिव में अगर मान लो इसको नेगेटिव मान लो तो इसको नेगेटिव मान लो तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो गई पॉजिटिव। चलो अब एक को 10 ले लो एक को 20 और नीचे वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव। ओके सर नीचे वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव। किसको ज्यादा माना आपने W2 को ज्यादा माना तो नीचे वाली क्वांटिटी नेगेटिव मतलब 10 इनवर्स के अंदर क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो फाइव आपका क्या निकल के आएगा नेगेटिव। तो फाइव आपका क्या निकल के आ जाएगा नेगेटिव। और फाइव नेगेटिव निकल के आ जाएगा बट पावर फैक्टर जो निकल के आएगा वो बाय डिफॉल्ट आपका क्या लेने वाला है लेस देन 0.5। तो याद रखना ऐसी सिचुएशन में पावर फैक्टर आपका क्या आता है लेस देन 0.5 आता है। ऐसी सिचुएशन में आपका पावर फैक्टर कितना आता है 0.5 से कम आता है। बहुत बढ़िया सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एक वॉटमीटर है ठीक है, ये आपका एक वॉटमीटर है, इसको जरा प्यार से देखो रीडिंग क्या होगी वॉटमीटर की एंड एमीटर की जो अच्छा देखिए रखिए। द रीडिंग वॉटमीटर की रीडिंग है 1 किलोवाट, एमीटर की रीडिंग है 10 एम्पीयर।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर कितना होगा सर्किट का, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सड़ा सा सवाल है। इधर देखोगे आप लोग, वोल्टेज आपको यहाँ पे गिवन है कितना 200 वोल्ट, ये आपको वोल्टेज गिवन है कितना 200 वोल्ट। ये 200 वोल्ट लाइन वोल्टेज है कि फेज वोल्टेज है, बाय डिफॉल्ट लाइन है, क्यों? क्योंकि आर और वाई के बीच में लगा हुआ है, तो है तो ये लाइन वोल्टेज है, तो ये लाइन वोल्टेज। लेकिन आपका वाटमीटर कौन सा वोल्टेज पढ़ रहा है, लाइन या फेज? आपका वाटमीटर पढ़ रहा है, ये देखो आपका वाटमीटर पढ़ रहा है, आपका वाटमीटर पढ़ रहा है यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज, मतलब आपका वाटमीटर फेज वोल्टेज पढ़ रहा है, ठीक है? ओके सर, तो आपका वाटमीटर जो पढ़ रहा है वो फेज वोल्टेज पढ़ रहा है, तो आपके वाटमीटर ने थ्री फेज की जो पावर मेजर करी होगी वो ये करिए, 3 VP × है ना, मतलब कुल मिला के आपके वाटमीटर ने एक वाट, ये एक वाट की पावर मेजर करी है, दो या पूरे थ्री फेज की इसने मेजर करी है बेटा। इसने देखो एक फेज में जाने वाला करंट और एक फेज में जाने वाला वोल्टेज इसको मेजर किया इसने, बस और कुछ भी नहीं। तो इसने मेजर किया इसको क्या, 1 kW को इसने ये मेजर किया, एक फेज की पावर। तो एक फेज की पावर मेजर करिए आपके वाटमीटर ने, देख लो आप एक फेज में जाने वाला करंट और एक ही फेज के पास का वोल्टेज। लेकिन लेकिन आपको जो करंट दिया है वो 10 एम्पियर और ये स्टार कनेक्शन है, तो यहां लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर बराबर ही होंगे, है ना? तो यहां पे ये 10 एम्पियर आपको गिवन है, ठीक है? अब यहां पर ये 10 एम्पियर आपको गिवन है, ये तो पता चल गया। अब आती है फेज वोल्टेज, तो फेज वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी? तो यहां लाइन वोल्टेज दिया है 200, तो बेटा लाइन वोल्टेज इक्वल टू होता है √3 टाइम ऑफ फेज वोल्टेज। तो अगर आपको कल को यहां पे फेज वोल्टेज निकालना है तो वो 200 / √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 / √3 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा cos phi हो जाएगा, और cos phi इनटू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो cos phi की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, cos phi की वैल्यू निकल के आ जाएगी √3/2, जहां पे बेटा जो phi जो पावर फैक्टर आ जाएगा, तो cos phi √3/2 है, तो √3/2 कितना होता है 0.866। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.866। क्या बात है सर, मजा आ गया सर, दिल से मजा आ गया। अगर दिल से मजा आया तो एक बार बेटा यहां पर सभी बच्चे तेजी से लाइक करेंगे ना, इधर देखो 120 बच्चे वॉचिंग नाउ है बट लाइक कितने हैं, केवल 71। एक बार दिल से लाइक करके शतक मार दो यार, यकीन मानो अभी 6 बजे तक पढ़ना है, इतने गजब गजब क्वेश्चन लेके आया हूं कि तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा अंदर से। एक बार बस ये लाइक कैसे भी करके यहां से लाइक 100 क्रॉस हो जाने चाहिए, बस इतनी तेज स्पीड में होने चाहिए कि एकदम तड़ 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 ऐसे जाते रहना चाहिए, जल्दी फटाफट जल्दी फटाफट। और तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो जरा वो भी पढ़ लेता हूं मैं, क्या बात क्या बात, और क्या बात बकवास कर रहे हो, देख तू देखो थोड़ी बहुत बकवास देती हैं, क्लास आते ही लाइक कर देते हैं, क्या बात है भाई 96 हो गया, दिल छू लिया यार, दिल छू लिए, बस ये 100 होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए, अभी हो जाएगा सर, अभी हो जाएगा सर, आप देखते रहो बस, देखते रहो सर, आप देखते रहो सर, आप देखते रहो सर, आप देखते रहो, बहुत बढ़िया। अरे सर हो गया सर, शतक मार दिया सर, शतक मार दिया सर, ऑलरेडी लाइक डे, क्या बात है भाई, लव यू यार, लव यू, क्या बात है क्या बात है, ये देखिए सर, चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या बात क्या बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 30 किलोवाट का रेटेड आउटपुट 400 वोल्ट थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है, फुल लोड स्लिप दिए, अगर रेशियो ऑफ स्टेनलेस स्टील रिएक्टेंस टू द रोटर रेजिस्टेंस इज 4, एस्टिमेट द फुल लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड कितनी होगी, क्लियर है? एमपीजीके कहां से पढ़े सर बताओ, एमपीजीके छोड़ दो भाई, एमपीजीके का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा पेपर के अंदर, लीव द एमपीजीके, एमपीजीके डजंट कम इन द पेपर, आएगा भी तो एक क्वेश्चन आएगा मुश्किल से, ठीक है? तो लीव करो एमपीजीके, पहले भी आता था तो 3-4 ही आते थे, अभी आ रहा तो एक ही आ रहा है, तो एक क्वेश्चन के लिए काहे को पढ़ना भाई कुछ भी, तू कितना भी पढ़ ले, जरूरी थोड़ी वही वाला पूछ ले, हां तू कितना भी पढ़ ले, जरूरी थोड़ी वही, यही थोड़ी, ये थोड़ी पूछा मैं मोहित सर कहां से बिलोंग करते हैं एमपीजीके में, है खुद कितना भी पढ़ ले तू एक क्वेश्चन के लिए क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ ऐसा कर जिससे 4-5 नंबर ज्यादा है, समझा समझा सर? तो एक 30 किलोवाट का रेटेड आउटपुट है, 400 वोल्ट का थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है, फुल लोड स्लिप जो है वो 5% है, इफ द रेशियो ऑफ स्टेनलेस स्टील रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस पर फेज इज 4, स्टेनलेस स्टील रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस पर 4, स्टेनलेस स्टील रिएक्टेंस मतलब X2/R2 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी गाइस, 4 इज 4 है ना, इस 4 ही दी हुई है क्या, हाँ, तो एस्टिमेट द फुल लोड स्पीड, तो फुल लोड स्पीड निकालना है, और क्या करना है आपको, स्लिप भी दी हुई, अच्छा फुल लोड स्लिप भी दी हुई है, क्या चाहिए जीवन में, तो आपको फुल लोड स्लिप भी दी हुई है, तो फुल लोड स्लिप कितनी हुई है आपकी 0.05, और क्या दिया है 30 किलोवाट रेटेड आउटपुट 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड 4 पोल की मोशन, अरे कुछ मत करो भाई, सिंक्रोनस स्पीड कितनी है 120 f/p, 4 पोल के लिए कितनी होती है सर 1500 rpm होती है, बस खत्म हो गया, रोटर की स्पीड निकालनी है ना, 5% कम कर दो तो रोटर की स्पीड कितनी होती है, रोटर की स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड इंटू 1 - s,
तो 1 माइनस एस होती है, तो सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी 1500 इंटू 1 माइनस एस में कितना हो जाएगा 0.95 हो जाएगा, तो 15 इंटू 95 हो जाएगा, 15 इंटू 95 कितना हो जाएगा 15 इंटू 95 कितना हो जाएगा, तो यार 15 इंटू 95 इंटू 15 कितना होता है 95 इंटू 15 कितना होता है 15 इंटू 95 कितना होता है 1425 होता है क्या, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1425 इज द करेक्ट आंसर, 1425 इज द करेक्ट आंसर, 1425 इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है सर, मजा आ गया सर। चलिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात करेंगे केबल के अंदर इज डैश विद इंक्रीज इन लेंथ, तो लेंथ के साथ इंसुलेशन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, तो लेंथ के साथ इंसुलेशन रेजिस्टेंस बढ़ता है क्या, तो कभी भी नहीं होता, इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमेशा लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपका कम होने लगेगा, जैसे जैसे आपकी लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होने लगेगा कम होने लगेगा। क्या बात है सर, मजा आ गया सर। नेक्स्ट देखेंगे, जनरली अर्थिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं वो किसके लिए करते हैं, फॉर अर्थिंग क्या के लिए होती है, एक तो होती है बेटा इंसानों की सेफ्टी के लिए और एक होती है इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए, तो एक तो होती है इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए और एक होती है ऑपरेटिंग पर्सन मतलब हमारी सेफ्टी के लिए, तो अर्थिंग तो भाई हम दोनों के लिए प्रोवाइड करते हैं, खुद की सेफ्टी के लिए भी और इंसानों की सेफ्टी के लिए भी और इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए भी। क्या बात है सर, मजा आ गया। जनरेटिंग स्टेशन, पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर ही गलत लिखा, ठीक है ना, सेफ्टी ऑफ द इक्विपमेंट के लिए नहीं करते भाई, हमारे लिए भी करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो जनरेटिंग स्टेशन हैज हमारे लिए कौन सी वाली करते हैं, बॉडी अर्थिंग, जो आप इक्विपमेंट की बॉडी को अर्थ करते हैं ना वो हमारे लिए की जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। जनरेटिंग स्टेशन हैज कनेक्टेड लोड ऑफ 40 मेगावाट, मैक्सिमम डिमांड इज, डिमांड फैक्टर क्या होगा, तो सभी बच्चों को पता है डिमांड फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड होता है अपॉन कनेक्टेड लोड होता है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड कितनी है सर 20, कनेक्टेड लोड कितना है सर 40, तो 20/40 कितना होता है 0.5, दिस इज कॉल्ड एज डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर के बारे में एक और चीज याद रखना, डिमांड फैक्टर हमेशा क्या होता है लेस देन 1 होता है। क्या बात है सर, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट, सोलोनॉइड अगर एक है, एक सोलोनॉइड है जिसमें n टर्न्स है और i एम्पियर है, विल हैव द इंडक्टेंस ऑफ, तो एक सोलोनॉइड का इंडक्टेंस जो होता है वो कितना होता है आप सभी को पता होना चाहिए, दैट इज μ0 μr n स्क्वायर a बाय l, n स्क्वायर a बाय l, दिस इज कॉल्ड गाइस सोलोनॉइड, तो सोलोनॉइड ये होता है। इसके अलावा अगर सोलोनॉइड का कोई दूसरा क्वेश्चन देखना है तो वो क्या हो जाएगा, n phi इक्वल टू l i, तो यहां से भी l निकाल सकते हो, l क्या होता है यहां से n phi अपॉन i, ये भी सोलोनॉइड का फॉर्मूला है, n phi अपॉन i इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सोलोनॉइड, तो सोलोनॉइड के लिए n phi बाय i इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सर, चलिए बेस लोड प्लांट के बारे में पहले भी पढ़ाया है, बेस लोड प्लांट क्या होते हैं, बेस लोड प्लांट वो प्लांट की कैटेगरी होती है जो सालों सालों तक रन करते हैं, सालों सालों तक रन कराना है। अब जैसे तुमने एक गाड़ी खरीदी यार और उसको तुम चाहते हो दिन भर चलाना है तुमको, तो तुम कैसी गाड़ी खरीदना प्रेफर करोगे, अगर तुम्हारे को मैं बोलूं कि एक गाड़ी खरीदो और तुमको पता है कि उसको तुमको दिन भर चलाना है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा जो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो ऐसे होते हैं जिनको फील्ड जॉब करनी होती है उनको दिन भर में 100-150, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं उनको दिन भर में 100-150 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, अब वो कैसी गाड़ी प्रेफर करेंगे, जाहिर सी बात है वो ऐसी गाड़ी प्रेफर करेंगे जो ज्यादा एवरेज दे, एवरेज मतलब जिसमें खर्चा कम लगे चलाने में, है ना, जो पेट्रोल कम पिए, ऐसी गाड़ी खरीदेंगे। तो याद रखना कि जो तुमको बहुत लंबे समय तक चलाना है उसमें खर्चा कम लगना चाहिए, मतलब उसकी रनिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए, भले ही उसकी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा हो वो मैटर नहीं करता, है ना, गाड़ी भले ही 1 लाख की आए लेकिन खर्चा कम होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो तुम्हें गाड़ी निकालना है, ठीक है, और तुम सोचते हो भाई मैं तो महीने भर में एक बार गाड़ी निकालता हूं, मस्त एकदम एक बार निकालता हूं महीने भर में आधे घंटे के लिए, तो तुम सोचो कि गाड़ी एकदम मस्त होनी चाहिए, है एकदम मस्त होनी चाहिए, और तुम उसको दिन भर चला नहीं सकते, दिन भर चलाओगे पता चला 10,000 रुपए का पेट्रोल फूक गई, ऐसी सिचुएशन में तुमको पता है कि उसकी रनिंग कॉस्ट ज्यादा है, बाय डिफॉल्ट उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। तो याद रखना बेस लोड प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनको जिनको आपको सालों सालों तक रन कराना है, जैसे हाइड्रो, न्यूक्लियर और थर्मल, ये सालों सालों तक रन करते हैं, इनका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है बट इनकी रनिंग कॉस्ट काफी कम है, तो इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है मतलब कैपिटल कॉस्ट मतलब लागत पूंजी ज्यादा है, और है ना लागत पूंजी ज्यादा है और इनका रनिंग कॉस्ट क्या है कम है। बट एक और प्लांट होते हैं जिनको बोलते हैं पीक लोड प्लांट, पीक लोड प्लांट वो प्लांट की कैटेगरी होती है, पीक लोड प्लांट वो प्लांट की कैटेगरी होती है, ठीक है, जिन प्लांट्स के अंदर है ना, जैसे डीजल, तो डीजल क्या रनिंग कॉस्ट ज्यादा है बट इनिशियल कॉस्ट क्या होगी कम, ये तभी लगाते हैं जब जरूरत पड़ने पे काम आए, ठीक है। चलो डी ओवर क्या, हाई कैपिटल का लो इनिशियल कॉस्ट, अरे तुम लोग यार मतलब उस पर आ जाते हो, तुम भावनाओं पर नहीं आते, तुम लोग हैं तुम उस पर आ जाते हो, आपने लिखा क्या,
तुमको उससे मतलब नहीं, मास्टर की भावना है कैसी, इतनी जैसे जो बकबक कर रहे थे भावनाओं के आ जाते तुम लोग। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख ही यही है कि मैं लिखता कुछ और हूँ, सोचता कुछ और हूँ, बोलता कुछ और हूँ, बोलता और सोचता एकदम सही हूँ, बस लिख गलत देता हूँ जल्दीबाजी में और इसमें मेरा पोपट हो जाता है। बाकी तुम समझदार हो, ठीक है, बाकी तो तुम समझदार हो, भावनाओं के साथ खेल लेते हो तुम लोग है, बस जल्दीबाजी में मेरे को इतनी जल्दी रहती है कि मैं लिखता कुछ और हूँ घटघट डटघट और समझता बहुत बहुत सही हूं लेकिन सामने वाले को एकदम टिकर टिकर हो जाती है। नहीं चलो ठीक है, समझ गया ना, चलो है ना, तो इसलिए मैंने लिखने पे यकीन करना ही बंद कर दिया, बाहर में गया लिखना है, राइट, जो बोल रहा हूं बस वही समझो, ठीक है। चलो 3 दिन भावनाएं खत्म है सभी, बहुत बढ़िया, गुड गुड रोहित। चलो अब एक सवाल आपका, एक सवाल मेरा आपसे, लो हेड पावर प्लांट के लिए कौन सा टर्बाइन यूज करते हैं, मीडियम हेड के लिए कौन सा यूज करते हैं और लार्ज हाई हेड के लिए कौन सा करते हैं? पहले लो हेड वाला बता देना यार, पहले सभी बच्चे लो हेड वाला बता देना, लो हेड वाला बता देना सभी, लो हेड होता है लेस देन 30 मीटर, कौन सा टर्बाइन यूज करते हैं, लो हेड के लिए कौन सा टर्बाइन यूज करते हैं, लो हेड के लिए कौन सा करते हैं? अब कोई बता रहा है लो हेड में कपलान, कोई बता रहा है पेल्टन, गजब कर दिए। गुड, तो बेटा याद रखना कैप्लान, फ्रांसिस और पेल्टन। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है तोते की तरह रट लेना, पेपर में आता है ये क्वेश्चन, या तो लो का पूछता है या तो हाई का पूछता है और आप गलत करके आ जाते हो। कैप्लान, फ्रांसिस, पेल्टन रट लेना, क्या कैप्लान, फ्रांसिस, पेल्टन ध्यान रख लो, क्या कैप्लान, फ्रांसिस, पेल्टन ध्यान रख लो। पेल्टन हाई के लिए होता है 30 मीटर के लिए, ये वाला होता है 30 से लेके 300 मीटर के लिए, और ये वाला होता है ग्रेटर देन 300 मीटर के लिए। कुछ कुछ जगह पे 500 भी लिखा, 250 भी लिखा, बट छोड़ो हम एक जगह से याद कर सकते हैं, सब जगह का थोड़ी याद कर लेंगे, ठीक है। तो तुम बस ऐसे याद रखो कैप्लान, फ्रांसिस, पेल्टन, क्या याद रखोगे, कैप्लान, फ्रांसिस, पेल्टन। दूसरा बेटा फेज, एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे बच्चा गलती करता है, फेज की अगर हम बात करें, फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ट्रांजिस्टर, फेज डिफरेंस ऑफ इनपुट आउटपुट ऑफ ट्रांजिस्टर, इनपुट आउटपुट ऑफ बीजेटी, ये कितना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है पेपर में, बच्चा गलती कर देता है, तो आपको ये तीनों का बताओ मेरे को जरा फटाफट। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओगे कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, जल्दी बोलो कितना कितना होगा, जल्दी बोलो कितना कितना होगा, जल्दी जल्दी ऐसे लाइन से बताओ। सर वेस्ट बंगाल पीएससी जेई कमिंग सून, प्लीज डिस्कस अबाउट इट। स्वाभाविक बार उसके लिए तो बेटा 16 नवंबर से पहले तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा, 16 नवंबर के पहले मैं क्या डिस्कस करूं, मुझे ये पता है 16 नवंबर को आने वाला है, जिस दिन मुझे पता चला उस दिन मैंने वीडियो बनाई। अब आ तो जान दे, उसके बाद तो डिस्कस कर पाऊंगा, नहीं आ तो जान दे। गुड, तो बेटा याद रखना कॉमन बेस 0, कॉमन कलेक्टर 0, ओनली कॉमन एमिटर 180 डिग्री, ओनली कॉमन एमिटर 180 डिग्री, याद रखना रे, भूल मत जाना, कॉमन एमिटर का 180 होता है, बाकी फेज डिफरेंस दोनों का कितना है 0-0 डिग्री होता है, क्लियर है? यस सर। चलिए बुकोल्स रिले इज ऑपरेटेड बाय, बुकोल्स रिले को कैसे ऑपरेट करते हैं, एडी करंट से कभी नहीं करते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से नहीं करते, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, किसको कैसे करते हैं, गैस प्रेशर से। इसीलिए इस रिले को क्या बोलते हैं, गैस एक्टिवेटेड रिले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैस एक्टिवेटेड रिले बोलते हैं, गैस एक्टिवेटेड रिले बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर, अब ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सभी बच्चों को मैं देना चाहता हूं मोहित कासन्या सर टेक्स्ट बुक, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, मोहित कासन्या सर टेस्ट बुक, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सभी बच्चे ज्वाइन हो जाओ बेटा, इंडिया के बेस्ट एईजेई सेशन में भी स्वागत है आप लोगों का, खत्म नहीं हुआ है अभी। आप सभी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लो, मोहित कासन्या सर टेस्ट बुक का इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट जल्दी से, ऐसा करके स्क्रीनशॉट लो एक बार जल्दी से इसका, ठीक है। ऐसा टेलीग्राम पे मेरा नाम सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, ताकि तुम्हारे हजारों बच्चे वहां जुड़े रहे, प्लस तुम सभी बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हो, राइट, ये वीडियो जब तुम सभी बच्चे मेरी देख रहे हो तो इस वीडियो में मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूं, अभी मेरी एक और क्लास है 5 बजे, 5-10 मिनट का ब्रेक लो, अभी मेरी एक और क्लास है, कहां है ये देखो लिखी, एमपी सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर। तो ये वाली जो क्लास है ये बेहतरीन क्लास होने वाली है गाइस, अभी मैं आपको पहले बता देता हूँ, सभी बच्चे यहाँ पे अवेलेबल रहना इस क्लास के अंदर, यकीन मानो मचा देंगे, काश ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई केशव, ऐसे ही जितने भी बच्चे एसएससी जेई डीआरडीओ मध्य प्रदेश सभी इंजीनियर सबकी तैयारी करना चाहते हो, सभी बच्चे फटाफट जल्दी से आ जाए, ठीक है। चलो भाई तो मिलते हैं अपन लोग,
कितने मिनट में, नवंबर 7 11 ये लिखा है 10:18 में, तो कितने बचे 10 मिनट के अंदर अंदर मिलते हैं, ठीक है। चलो सो थैंक यू वेरी मच आज के लिए, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच।